और इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, आज हम लोग विशेष तौर से मैं स्वयं एक दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जिस क्लब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1917 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में मेलविन जॉन्स के द्वारा। 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, पूरे विश्व में इसके करीब 14 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान इस समय सदस्य संख्या में सबसे आगे है। मेलविन जॉन्स ने जो संस्था बनाई थी उसकी एक भूमिका यूएनओ के चार्टर को भी बनाने में रही है। 1945 में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना है उसके चार्टर को बनाने में भी लायंस क्लब की भूमिका रही है। तो एक महत्वपूर्ण संस्था की ओर से एक प्रगतिशील और अच्छी संस्था में आने का सौभाग्य मिला है और मैं यहाँ होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ। आज का जो विषय है हमारा लायंस क्लब, मुख्यतः 4-5 सेवा क्षेत्रों में विशेष रूप से काम करता है सारी दुनिया में। एक तो विजन का है, नेत्र संबंधी चिकित्सा से संबंध है, हेल्थ कैंप लगाते हैं डायबिटीज बीपी वगैरह के लिए भी, साथ में पर्यावरण का कार्यक्रम है जिसके लिए हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस पर चर्चा हम आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, और इसी के साथ चाइल्ड कैंसर पर भी लायंस क्लब का अच्छा काम चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। एक छोटी सी भूमिका हमारा क्लब भी उसमें निभाता चला आ रहा है। आप लोगों ने इस क्लब को यहाँ पे आने का समय दिया, अवसर दिया, तो क्लब के अध्यक्ष के रूप में इस क्लब के प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र छात्राओं सबको, सबके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, पर्यावरण, हालांकि आप लोग काफी सजग लग रहे हैं, जितने पोस्टर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं और आप लोग इस पर काम भी कर रहे हो, आपका इको क्लब भी है, तो इसके लिए भी बधाई कि इस महत्वपूर्ण विषय पे भी आप लोग सजग हो जिसके प्रति सारी दुनिया चिंतित है। अखबारों में आज पढ़ते होंगे कनाडा जिसका एवरेज टेम्परेचर 18 या 19 हुआ करता था, वहां 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया। वहीं राजस्थान जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड करता था, वहां कभी कभी बर्फ भी पड़ जाया करती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? साधारण भाषा में अगर आपको हम बताएं तो सृष्टि में जो कुछ भी आप देख रहे हो उसमें तीन तरह की चीजें हैं, मुख्यतः दो ही हैं, जीव है, अजीव है, पेड़ पत्थर है। आप ये ईटा पत्थर देख रहे हो, मिट्टी देख रहे हो, ये सब अजीव है, लेकिन कुछ जीव भी हैं और जीव दो तरह के हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, और दोनों में इतना बेहतर नेचर ने कॉम्बिनेशन बनाया है कि प्लांट जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं। ये संतुलन, ये बैलेंस अगर बिगड़ा तो आप सबका और पूरे विश्व के ऊपर एक खतरे की घंटी है, और यह संतुलन बिगड़ रहा है। हमारी अंधाधुंध विकास की परियोजनाएं जो चल रही हैं, साधारण भाषा में आपको बताएं तो मोहनगंज से यहां तक आने वाली सड़क के किनारे के पेड़ काट दिए गए विकास के लिए, क्योंकि यह 4 लेन बनेगा, रामपथ गमन मार्ग या क्या नाम उसका दिया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया में पेड़ कटे हैं, तो जो ऑक्सीजन आपके लिए देते थे उनकी तादाद कम हुई और कार्बन डाइऑक्साइड स्वाभाविक है बढ़ेगा, और इसी के साथ विकास की दौड़ में अंधाधुंध मोटर गाड़ियां, अंधाधुंध पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल और बिजली के लिए कोयले का इस्तेमाल, ये सब वातावरण में पोल्यूटेंट्स को, प्रदूषित तत्वों को भेजते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर पार्टिकल्स, तमाम तरह के ऐसे तत्व हैं जो वातावरण में जाते हैं जो हमारे आपके लिए हानिकारक है। इसमें बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं अपनी सीमा के अंदर रहते हुए
उसको करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिए धीरे धीरे सारी दुनिया में थर्मल पावर प्रोजेक्ट बंद किए जा रहे हैं, जो कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया है उसको बंद किया जा रहा है और उसके जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इसी तरह से अब हाइड्रोजन गैस से भी ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है। लेकिन आप लोगों को जान करके शायद दुख ही होगा कि तरह तरह की जो भी तरीके एनर्जी के आ रहे हैं, इन सब से पॉल्यूशन का कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल के जगह पर हम बिजली से गाड़ियां चलाएंगे। बिजली से जो गाड़ियां चलती हैं, तिपहिया वाहन आपने देखा होगा, लिथियम बैटरी लगती है, लिथियम का भी रिसाइकिल नहीं होता। जिस तरह से पॉलीथीन रिसाइकिल नहीं होती, उस तरह से लिथियम भी रिसाइकिल नहीं होता है। तो ये भी एक कूड़ा भरा ऐसा बनेगा जो रिसाइकिल नहीं होगा और आगे चल के हमारे आपके लिए हानिकारक होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में भी जो मटेरियल्स लग रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पर लग रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा निकल रहा है, ये भी रिसाइकिल नहीं होता है।